रावत सर स्थित बिश्नोई धर्मशाला में आयोजित की जा रही जमवाणी कथा के पांचवे दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। कथा के पांचवे दिन कथावाचक संत श्री आचार्य रामाचार्य ने बाणशैया पर भीष्म पितामह के संवाद को विस्तार से बताया। कथावाचक संत आचार्य रामाचार्य जी ने अच्छे और बुरे कर्मों के बारे में बताते हुए कहा कि बुरे कार्य करने वाला पाप का भागीदार नहीं होता, अपितु कार्य को देखने वाला भी पाप का भागीदार होता है। इसलिए बुरा कार्य होते हुए देखकर उसका प्रतिरोध करना चाहिए और रोकने की कोशिश करनी चाहिए। वहीं आजकल पहनावे को लेकर युवाओं में लाइफस्टाइल के नाम पर बन रही विकृतियों के बारे में विस्तार से बताया। वहीं जन कल्याण सेवा समिति के श्री जम्भेश्वर सेवा समिति सदस्यों ने बताया कि गुरुवार सुबह समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं व भामाशाओं का सम्मान किया जाएगा। वहीं शुक्रवार रात्रि को विशाल जागरण व शनिवार सुबह हवन के बाद प्रसाद वितरण का अटूट लंगर लगाया जाएगा। समिति के सदस्यों ने कथा में अधिक से अधिक श्रद्धालुओं से भाग लेने की अपील की है। कई के शरीर बीमारी कदम मिटेगी क्यों? क्योंकि छोट तो सारी आप अंदर ही लेकर के जा रहे हो, फिर मिटेगी कैसे?